मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। गुड मॉर्निंग बेबुश्का, सॉरी टू वेक यू अप अर्ली मॉर्निंग, बट आई थिंक दिस वाज द ओनली टाइम वी कुड हैव डन इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज यू नो द ट्रैफिक, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट लेटर देन क्योंकि हम लोग सेंट्रल लंदन जा रहे हैं, बिल्कुल सेंट्रल, एंड यू नो यूजुअली इट्स वेरी क्राउडेड जहाँ पे, जिस एरिया में हम जा रहे हैं, इट्स वेरी क्लोज टू बकिंगम पैलेस। तो सबसे पहले आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया की ढेर सारी बधाइयाँ। आज के व्लॉग में गाइज हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को, आई मीन आप लोग जानते तो होंगे ही इन शख्सियत के बारे में, लेकिन मैं खुद एक्चुअली आपसे बिल्कुल कन्फेस करूँगा कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी अबाउट वॉट हैपन्ड। एंड एज अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लंदन का इतना क्लोज कनेक्शन है इंडिया से बिकॉज ऑफ यू नो हिस्टोरिकल रीजंस, जो भी हिस्ट्री है हमारी कनेक्टेड ही है। तो चलिए गाइज साथ में चलते हैं उन जगहों पे जहाँ पे उद्धम सिंह जी थे, और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। शहीद उद्धम सिंह जी के बारे में काफ़ी लोगों को पता तो होगा ही। ही वॉज बॉर्न ऑन 26th of December 1899। एट अ वेरी यंग एज उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, सो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड यंग एज इन एन ऑर्फनेज इन अमृतसर। एक गैदरिंग हुई थी पंजाब में एट जलियावाला बाग, जहाँ पे लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे, एंड ऑल्सो एक छोटा सा पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ सम ऑफ इंडियाज लीडर्स। कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया सारा एरिया, और दे वर शॉट मर्सिलेसली। इतने लोगों की जान गई है जलियांवाला बाग में, आई थिंक मोर देन 800 पीपल डाइड, और पता नहीं हज़ारों लोग वोंडेड भी हुए। तो उद्धम सिंह जी भी वहीं पर थे, ही वॉज गिविंग वाटर टू एवरीबडी ड्यूरिंग दैट यू नो इवेंट, और उनके सामने ही ये सारा मैसेकर हुआ विच कम्प्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ। मैं बोलूँगा कि यू नो लोगों को देखा मरते हुए अपने आँखों के सामने, एंड इट्स प्रॉबेबली फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड कि ये रिवेंज लेंगे। ये कहा जाता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके पास टू किल हिम, बट ही चोज़ अ स्पेशल ओकेजन, अ स्पेशल प्लेस टू डू दैट, और उसी जगह के सामने हम लोग आज खड़े हैं, विच इज़ द कैक्सटन हॉल। तो यही है गाइस वो जगह, 10 कैक्सटन हॉल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर नहीं जा सकते बिकॉज अब यहाँ पे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन गए हैं। बिफोर आई थिंक दे यूज टू लेट पीपल एंटर, बट ऑब्वियसली नाउ इट्स प्राइवेट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अच्छा तो लगता नहीं भाई किसी के घर पे तुम ऐसे नॉक करके बोलो कि भाई अंदर का दिखाओ, पर फ्रॉम व्हाट आई नो अंदर एक बस दो स्टेयर केसेज हैं, और ऊपर जो ब्रिज है वहाँ पे स्पीचेस हुआ करती थी, एंड यू नो वहीं पे उन्होंने शूट किया था। तो उद्धम सिंह ने जब डायर को गोली मारी, ही वॉज अरेस्टेड ऑब्वियसली, लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर इज़ कि उनको यू नो ये जो पूरा एपिसोड है ये बहुत साइलेंट और दबाया गया, दबाने की कोशिश की गई, बिकॉज ऑब्वियसली द ब्रिटिश डिड नॉट वॉन्ट कि ये न्यूज़ इंडिया तक लीक हो जाए, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है जो अपने प्राइम पे है वो और फ्यूल अप हो जाए। तो बिल्कुल दबा दिया गया था, मीडिया हाउसेस, पेपर्स, सबको बोल दिया गया था कि कुछ पब्लिश मत करना यहाँ पे। तो चलिए आपको वो कोर्ट भी दिखाते हैं जहाँ पे उद्धम सिंह जी की हेयरिंग हुई थी, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए वो देखो इंडिया का फ्लैग, लुक लुक इंडिया फ्लैग, लुक 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 लुक, वो देखो भाई इंडिया का फ्लैग। तो भाई तो प्राउड फीलिंग आती है देख के, जब
हम लोग का झंडा सेंट्रल में लहराया जाता है, मौ कसम, समझ रहे हो? तो गाइस 5th जून 1940 को ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इसी कोर्ट में जो मेरे पीछे है. जस्टिस एटकिंसन थे जिन्होंने उद्धम सिंह को सजाए मौत दी थी. एंड राइट बिफोर ही गेव हिम द डेथ पेनल्टी ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनीथिंग टू से. और उस पे उद्धम सिंह जी ने कहा कि वो मौत से नहीं डरते हैं, ही इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई. एंड यू नो ही होप्स कि उनके जाने के बाद हज़ारों और इंडियंस उनकी जगह लें और तुम डर्टी डॉग्स को इस देश से हमेशा के लिए निकाल दें. और एंड में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया उन्होंने. एंड ही वॉज टेकन टू पेंटविल प्रिजन, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. Silia, to sure hai ki the prison is here. This looks very residential here. Mere ko lag rahi hai. People who pay such a expensive rent here, that's already prison. He had nothing against the British people. You know, inke bahut friends bhi yahan pe the because he spent a lot of time in England. To bahut friends bhi bane hain. Actually, he had more friends in England than he had in India. But what he was against was the imperialistic government. You know, the colonial empire जो ब्रिटेन का था उनके अगेंस्ट बहुत थे वो. मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला. ये है भाई वो प्रिजन. मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा व्यू दिख जाए तुमको, बिकॉज ऑब्वियसली अंदर तो एंटर करेंगे करने नहीं देंगे अनलेस तुम्हारा भाई कोई छोटा क्राइम कर ले, अभी किसी की कनपट्टी पे चपेट लगा दे, या यहाँ पे वैसे कुत्ते को कुत्ते की पॉटी फेंकने पे भी फाइन या इंप्रिजनमेंट होती है. और कुत्ता भी तो नहीं है मेरे पास नहीं भाई, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रिजन्स ऑफ यूके, द एचएम पेंटविल प्रिजन. कोशिश कर रहा हूँ समझने की यू नो वो टाइम कैसा था और यू नो क्या वो फील कर रहे होंगे, यू नो डाइंग फॉर अ कॉज. पेट्रियाटिज्म की फीलिंग तो ये होती है यार कि तुमने कुछ किया अपने देश के लिए और यू नो तुम गाना गा रहे होगे प्रोबेबली यू नो ऐसा ही, मेरा रंग दे बसंती चोला. कमाल है यार, है ना, मतलब ऐसा जिगरा बहुत कम लोगों में होता है भाई दुनिया में. तो गाइज यही वो प्रिजन है राइट देयर जहाँ पे उद्धम सिंह जी को रखा गया था. एंड ऑन 31st July 1940 ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ. अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट for India, but as he said, you know, he died for a great cause. I feel that ye sabse bada part tha Indian independence movement ka jiski wajah se hum log independence bahut jaldi le paaye. There can only be one Uddham Singh in my opinion. Chalo bhai chalte hain yahan prison se. Bhai main andar chala gaya, main bhavnaon mein thoda beh ke na gate ke andar chala gaya. Wahan pe officers aa gaye the, kya kar rahe ho? मैंने कहा अंदर जा रहा हूँ देख रहा हूँ कैसा है, कि ये म्यूजियम नहीं है ये प्रिजन है. सो इफ यू वांट सी नेक्स्ट व्लॉग कमिंग यू नो व्हाई, अगर पुलिस मेरे को पकड़ ले तो भैया व्लॉग मैं सिल्विया को दे दूंगा, सिल्विया यू विल अपलोड इट है. ठीक है चल भाई चल निकल जल्दी. तो गाइस हम आए हैं ब्रुकवुड सेमेट्री में जो सरी में है. दिस होल्ड्स अ वेरी important place in the British history because काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, यहाँ पे माइकल ओडॉयर की ग्रेव है. दैट्स वेयर ही वॉज बरीड. मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ एग्जैक्टली है, सो वील सर्च इट एंड वील सी इफ वी कैन फाइंड हिज ग्रेव. यूजली यूके में जो सेमिट्री होती है गाइज, दीज आर लाइक पाथवेज एंड देर कन्वर्टेड लाइक पार्क्स ऑल्सो. सो सेमिट्री के साथ ही पार्कवे पाथवेज होते हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टे हेयर एज वेल. आधा घंटा हो गया भाई. वॉट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी इज़ कि यहाँ पे यूके में इनको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है बिल्कुल भी. हर फेमस पर्सन के यहाँ पे यू नो इन्होंने एक बार कोड लगाया हुआ है. माइकल ओडॉयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. ही इज़ नॉट बीन हाईलाइटेड एट ऑल. कहाँ पे? अरे भाई ओ मिल गई. फाउंड इट भाई. What was that? एक घंटा, 1 आवर
वॉक करने, क्योंकि इतनी बड़ी कुछ कोई मार्किंग नहीं, कुछ नहीं है भाई, मतलब सिर्फ अंदाजे से हम एक जियो लोकेशन पिक्चर किसी ने यू नो ऑनलाइन पब्लिश की थी इसकी, तो उसकी जियो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, वो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते करते ही हम लोग यू नो पूरी सेमेट्री में घूम रहे हैं ऐसी। तो ये है गाइज मेरे सामने माइकल फ्रांसिस ओडायर, अनबिलीवेबल। Have you seen what is written? Yeah, I saw. He served India for 55 years. He lived for India and he died for India. He died for India. Though I shouldn't disrespect the departed, lekin ye likhna ki he died for India, it's a bit of an insult for Indians because we know ki kya hua hai. It's all out there. Sab kuch, you know, legal documents ke through bahar aaya hua hai. चलो जो चले गए अब उनके बारे में यू नो देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग एंग्री अबाउट इट, बट दुख होता है ऑब्वियसली, बहुत बुरा लगता है कि यू नो इनोसेंट लोगों का मैसेकर किया गया। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि द बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट यू नो पीपल लाइक उधम सिंह, भगत सिंह हैव डन फॉर दिस नेशन, आई डोंट थिंक हम लोग दो वी रिस्पेक्ट देम, यू नो मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट आई थिंक ऑन अ नेशनल लेवल आज भी यू नो जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, देर आर जस्ट एक्स वाई जेड यू नो फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल दैट वी टॉक अबाउट। येस नॉन वायलेंस मूवमेंट बाय गांधी जी वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग इनिशिएटिव और इससे बहुत बहुत यू नो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था फ्रीडम मूवमेंट का, बट आई थिंक पीपल लाइक भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, यू नो लाला लाजपत राय, ये लोगों का जो वे था यू नो फ्रीडम लेने का, इसको हम कभी कभी भूल जाते हैं बिकॉज दे इन माई ओपिनियन ऑल्सो प्लेड अ मैसिव रोल। एंड यू नो आई कैन पर्सनली रिलेट टू द टॉपिक लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द पोलिश हिस्ट्री एंड सो मेनी वॉर्स वी हैड टू गो थ्रू, एंड I have a feeling that Polish army never gave up. They were always fighting, you know, for the country. And my great grandfather, he was in army himself. And I remember when I was a small child, he was telling me so many stories about, you know, army time, what he was doing there, and so many different stories. So, you know, even though the times were very difficult for them, they always had like, you know, positive spirit. Not only fight for your country, but fight for your own future. Yeah, very well said. Don't fight just for the country. Fight for your future as well. So guys, I hope ki aapko aaj ka video acha laga. And though, you know, we all are hustling in our own lives, apni life mein busy hain, sab apna kaam kar rahe hain. I think it's very important har saal is din, at least ek din, you know, we should remember the people who not just fought, they gave their life for our country. You know, उन लोगों के shoes में अपने आप को रख के देखें तो पता चलेगा यार कि ये freedom जो है ना, ये जो हम बोलते हैं independence, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है यार, बहुत लोगों ने बहुत लड़ा है, मारा है, मरे हैं इस freedom के लिए। तो हाँ, आशा करते हैं कि आज का एक छोटा सा vlog आपको अच्छा लगा। मिलते हैं एक नए vlog पे। वंदे मातरम। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।